ये कलीमुल्ला दोस्तपुरी साहेब की उर्दू दोस्ती है कि उन्होंने इतने लोगों को जमा किया है, उनके शेरी मजमुओं का आज इजरा भी है और बहुत से उर्दू दां को आज अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। उर्दू की सूरत हाल ये है कि हम तो खुद पढ़ते नहीं, दूसरे से शिकवा करते हैं, तो अपने घरों में हम उर्दू को ज़िंदा रखें, अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, घरों में उर्दू के अखबार ख़रीदें और फिर उर्दू दोस्ती का सबूत दे। अगर उर्दू पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं तो उनको स्कॉलरशिप दे, उनको अवार्ड दे और उनसे उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो तालिब इल्म है उनकी हौसला अफजाई हर तरह की जाए और जो शोरा अदबा है उनकी भी अदब नवाजी होनी चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। कलीमुल्ला कलीम क्या शेरी मजमुआ, गज़लों का मजमुआ सुखन हाय कलीम की रस्म इजरा हुई। ये बड़ी खुशी की बात है कि अभी किताब आई और फौरन ही इजरा भी हुआ। इस सिलसिले में लोगों ने अपनी रायों का इजहार किया और असल तो ये है कि जो किताब सामने आती है वो कुछ दिनों के बाद जब उसका मुताला कर लेते हैं लोग, तब अपने अपने तसरात बयान करते हैं। मैं समझता हूँ कि शायरी में कलीमुल्ला कलीम दोस्तपुरी जो हैं वो मोहतात आदमी हैं और उनका मुताला बहुत वसी है, इसलिए कंपोजिंग की गलती रह गई हो तो रह गई हो, लेकिन इनके यहाँ अपने तौर पर इनके यहाँ खामियाँ नहीं होनी चाहिए। अब बाकी तफसील के साथ सुखनहाय कलीम के सिलसिले में तासुरात और तजियात बाद में मैं लिख करके हाजिर करूँगा।